तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंचायती राज चुनाव को लेकर। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है, कुछ अफवाहों को दूर कर दिया है, जिसमें सभी कह रहे थे कि चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो सरपंच को लेकर रिजल्ट आएंगे, वो वार्ड पंचों के रिजल्ट के बाद सबसे अंतिम में सरपंच पद के जो रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन इसको बिल्कुल खारिज करते हुए ये नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि इसमें दो दल काम करेंगे। जी आपको बता दें, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि पोलिंग पार्टी द्वारा दो दलों का निर्माण किया जाए, जिसमें से एक दल होगा वो वार्ड पंच के मतों की गणना करेगा और दूसरा दल है वो सरपंच पद के मतों की गणना करेगा। तो गणना करने का तरीका भी उन्होंने साथ में लिखा है कि जो वार्ड पंचों की गणना करने का तरीका होगा कि होगा क्या कि सभी वार्ड पंचों की जो मत पेटियां होगी उनमें से 50-50 बंडल बना लिए जाएंगे, रबड़ बैंड से उसे बांधकर सामने रख दिए जाएंगे और जब तक ये बंडल बनाए जाएंगे तब तक सरपंच पद उम्मीदवारों के मतों की गणना हो चुकी होगी। तो गणना होते ही सरपंच पद उम्मीदवारों की रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो मतलब कहने का कि वार्ड पंचों के रिजल्ट से पहले सरपंच पद उम्मीदवार का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जैसे वार्ड पंचों के मतों की गणना कंप्लीट होती जाएगी साथ के साथ घोषणा करनी होगी रिजल्ट की। तो ये एक नया नियम सामने निकल कर आया है, लेकिन इस बार ये अच्छा रहेगा कि सरपंच पद का जो उम्मीदवार है उसके रिजल्ट की घोषणा सबसे पहले होने वाली है, जैसे चुनाव खत्म हो गए उसके कुछ देर बाद ही मतगणना स्टार्ट हो जाएगी और लगभग आधे एक घंटे में सरपंच पद के उम्मीदवार का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर आपको देश और दुनिया की खबरें मिलने वाली है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।